नमस्ते सभी को। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम पढ़ने जा रहे हैं मानव शरीर के तंत्र, ह्यूमन सिस्टम। और मैंने मेरे कल का जो वीडियो आपके लिए अपलोड किया था यूट्यूब पर, उसमें मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में हम जो है वो कौन कौन से मानव तंत्र पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन सिस्टम पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा हमने बात की थी कि वहां से हमारे एग्जाम में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हमने ये देखा था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है हमारे को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था। और आज हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम सबसे पहला जो ह्यूमन सिस्टम है उसकी बात करेंगे और उसका नाम है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो पाचन तंत्र पढ़ने से पहले हमें ये पता होना जरूरी है कि पाचन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पाचन क्या होता है। पाचन क्या होता है या डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है? तो बहुत ही आसान है। पाचन का मतलब यह होता है कि हम क्या करते हैं कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। भोज्य पदार्थों को हम ग्रहण करते हैं और उन भोज्य पदार्थों का हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र पाया जाता है उसके द्वारा छोटे छोटे अवशोषण योग्य कणों में उसको विभाजित किया दिया जाता है, जिससे कि हमारी जो आंत्र है उसको एब्जॉर्ब कर सके और रक्त के द्वारा जो है ये भोजन प्रत्येक अंग तक पहुंच सके। तो इसीलिए हम भोजन के बड़े बड़े कणों या अवयवों को छोटे छोटे अवशोषण योग्य कणों में बदलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं पाचन। अब जो हम जो पाचन करते हैं उसके लिए हम भोजन को जो अंदर लेते हैं और इस तरीके से भोजन का पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और जो अपचित भोजन होता है उसको शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। इस प्रकार से पाचन में टोटल जो है हम लोग 5 प्रोसेस को शामिल करते हैं। टोटल पाचन के अंदर हम 5 जो प्रक्रियाएं होती है उसको शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पाचन क्या होता है। तो भोज्य पदार्थ के बड़े कणों या टुकड़ों को छोटे छोटे अवशोषण योग्य कणों में विभाजित करना ही पाचन या डाइजेशन कहलाता है। तो पाचन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि पाचन के कितने प्रोसेस हैं। तो पाचन के टोटल 5 प्रोसेस हैं, जिसकी हम 1 by 1 जो है वो बात करेंगे। तो पहले हम प्रोसेस के नाम देख लेते हैं। तो पाचन के प्रक्रम तो पचित तो हम जब करेंगे ना, जब हम भोजन को क्या कर लेंगे, अंदर लेंगे, बॉडी के अंदर लेंगे, बाहर हमारी थाली में जो भोजन पड़ा हुआ होता है, रेडी हमें जो मिलता है उसको हम शरीर के अंदर लेंगे, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, तभी तो हम उसको पचाएंगे। तो पहला हो जाएगा अंतर्ग्रहण। क्या हो जाएगा? अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण हो जाएगा, अंतर्ग्रहण, इनजेशन। अब हमने क्या किया, भोजन को अंदर ले लिया। अब हमारे जो मुख गुहा के अंदर बक्कल कैविटी में क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, जो लगभग कितने होते हैं, 32 होते हैं, उनके द्वारा इसका पाचन स्टार्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा हमारी मुख गुहा में जो लार होती है उसके द्वारा भी भोजन को अच्छे तरीके से मिक्स करने में जो है वो हेल्पफुल होती है हमारे लिए। तो इस प्रकार से क्या होता है, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। इसके अलावा आमाशय में भी पाचन होगा, छोटे आंत्र में भी पाचन होगा। तो यहाँ पर हमने भोजन को अंतर्ग्रहण करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, पाचन करेंगे। तो अंतर्ग्रहण हो गया, अब क्या होगा, पाचन होगा। अब क्या होगा, पाचन होगा, डाइजेशन होगा, डाइजेशन हो जाएगा,
अब क्या हो गया, हमारे जो आहार नाल के विभिन्न भाग है, हमारी जो एलिमेंट्री केनाल है उसके जो अलग भाग है, अलग अलग जो भाग है उसके द्वारा इसका क्या कर दिया, पाचन कर दिया। अब पाचन कर दिया तो भोजन जो है वो आहार नाल में थोड़ी रहेगा, क्या उसका क्या किया जाएगा, अवशोषण किया जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाएगा। तो थर्ड हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, अवशोषण। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अवशोषण एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन अवशोषण। अब क्या कर लिया, हमारी जो आंत्र होती है उसमें छोटे छोटे जो है रसांकुर पाए जाते हैं, और रसांकुर के ऊपर क्या होते हैं, सूक्ष्मांकुर होते हैं, यानी कि हेयर के समान स्ट्रक्चर होती है जो कि भोज्य पदार्थों के अवशोषण के क्षेत्रफल को क्या कर देती है, बढ़ा देती है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा पदार्थ जो है वो हमारी आंत्र से अवशोषित होकर रक्त में पहुंच सके। अब भोजन का अवशोषण भी हो गया, अब भोजन कहाँ जाएगा, अब भोजन जाएगा हमारे ब्लड के अंदर, कहाँ जाएगा, ब्लड के अंदर। और क्योंकि हमारा जो ब्लड है ये क्या है, एक लिक्विड पदार्थ है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग तक जो है ऑक्सीजन पहुंचाना, भोज्य पदार्थ पहुंचाना, ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले रक्त का, किसका होता है, रक्त का होता है। तो अब रक्त जो है उस ग्लूकोज को या फिर पचे हुए भोजन को कहां पहुंचा देगा, शरीर के प्रत्येक अंग तक पहुंचा देगा। और अब प्रत्येक अंग में इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण होगा। तो अब देखो हमारा जो चौथा प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण में वास्तव में हमारे किसी भी अंग के द्वारा भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है, और उससे हमें क्या मिलती है, एटीपी मिलती है, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो क्या हो जाएगा, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन। और अब क्या होगा, जो अपचित भोजन है वो छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र में जाएगा, और जितना भी वॉटर है वो बड़ी आंत्र में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, अवशोषित कर लिया जाएगा, और जो अपचित भोजन जो है वो मलाशय के द्वारा होता हुआ गुद्दा से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारी एनस के थ्रू जो इनडाइजेस्ट फूड है, अपचित भोजन है, उसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं उत्सर्जन, लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं, अपचित भोजन का उत्सर्जन, अपचित भोजन का, अपचित भोजन का उत्सर्जन, क्या हो जाएगा, उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। तो यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि पांच प्रोसेस होंगे टोटल। अब हम देखेंगे पाचन तंत्र, अब हम देखेंगे पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्यतः दो पार्ट होते हैं, मतलब हम मेनली जितने भी पार्ट जो है इसमें भाग लेते हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो होती है हमारी आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, और दूसरी ही होती है हमारी पाचक ग्रंथियां, दूसरी होती है हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो अब हम पहले इसको वर्गीकृत करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से भाग होते हैं, किस भाग का क्या काम होता है, फिर हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन सी ग्रंथियां होती हैं, उस ग्रंथियों के द्वारा किसका श्रवण किया जाता है, और वो किस तरीके से जो है भोज्य पदार्थों को पचाने में हेल्प करती है। तो यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी आपको। अब हम आगे देखते हैं पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग जो है वो सम्मिलित होते हैं। तो अब हमारा हो जाएगा साथ साथ में, क्योंकि आपके एग्जाम में भी टाइम भी है, तो आप जो चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हो, ताकि बाद में जो है वापस से वीडियो को बार बार आपको नहीं देखना पड़े, और आप कम समय में जो है अपने नोट्स को रिवाइज कर सको। तो अच्छा ये रहेगा कि आप जो है वो साथ साथ में अपने जो है नोट्स बनाते रहे, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं पाचन तंत्र, अब हम देख रहे हैं पाचन तंत्र, पाचन तंत्र, पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को हम कितने भागों में डिवाइड कर रहे हैं, दो भागों में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें से पहला हमारा हो जाएगा आहार नाल, पहला हमारा कौन सा हो जाएगा, आहार नाल, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल, एलिमेंट्री केनाल। और दूसरा हम शामिल करते हैं इसके अंदर, दूसरा हम शामिल करते हैं पाचक ग्रंथियां, दूसरा किसको हम शामिल करते हैं, पाचक ग्रंथियों को शामिल करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम शामिल करते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को हम शामिल करते हैं,
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि आहार नाल में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं। तो आहार नाल, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हम भोजन को अंदर लेंगे, तो हम भोजन को अंदर कैसे लेंगे, अंदर कहाँ से लेंगे, वहीं से हमारी आहार नाल की शुरुआत होगी। तो आहार नाल जो है ये कहाँ से कहाँ तक होती है, तो मैं यदि बात करूं तो ये मुख यानी कि माउथ से लगाकर कहाँ तक होती है, एनस तक होती है। माउथ से लगाकर कहाँ तक होती है, ये गुदा तक होती है, एनस तक होती है, ठीक है। अब देखो इसके बीच में कौन कौन से पार्ट आते हैं उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा मुख, क्या हो गया, मुख, माउथ हो गया। फिर माउथ में क्या होता है, एक्चुअली हमारे जो होठ होते हैं ना, इसको हम माउथ कहते हैं, जिससे हम भोजन को क्या लेते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। अब हम जब भोजन को अंदर ले लेंगे तो बड़ी सी गुहा आएगी जिसमें दांत हैं, जीभ हैं, लार ग्रंथि हैं, ये सारे के सारे पाए जाएंगे। तो देखो यहाँ पर जो मुख से आएगा वो आएगा मुख गुहा, कौन सा आएगा, मुख गुहा, मुख गुहा। इसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी, इसको हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। फिर मुख गुहा से भोजन जो है आगे आहार नाल का भाग आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी, क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं, जो लगभग हम जिसको गला कहते हैं ना, उसमें उसमें क्या पाया जाता है, ग्रसनी पाई जाती है, उसमें फेरिंग्स पाई जाती है। तो मुख गुहा से आगे भोजन जो है वो किसमें जाता है, वो जाता है ग्रसनी के अंदर, किसमें जाता है, ग्रसनी के अंदर, फेरिंग्स में जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फिर ग्रसनी से भोजन कहाँ जाएगा, तो हमारे गले से यहाँ से एक बड़ा सा पाइप निकलता है, बड़ी सी नलिका निकलती है, उसको हम बोलते हैं ग्रसिका, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रसिका बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इसोफेगस। तो ग्रसनी से भोजन जाएगा ग्रसिका में, ग्रसिका में, इसको ग्रास नाल भी कह सकते हैं, इसको ग्रास नाल भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं इसोफेगस, क्या बोलते हैं, इसोफेगस, ये हो जाएगा इसोफेगस। अब हम कभी कभी कहते हैं ना कि यार खाना ज्यादा हो गया, पेट है ना भर गया, तो ग्रसिका के बाद में हमारे जो आहार नाल का भाग होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पेट, या हम उसको क्या बोलते हैं, आमाशय बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हो जाएगा हमारा आमाशय, 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 स्टमक। और फिर यदि हम बात करते हैं तो आमाशय से हमारा जो भोजन है वो हमारे आहार नाल के सबसे लंबे भाग में जाता है, और उसका नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसका नाम है छोटे आंत्र, और छोटे आंत्र से भोजन जाता है बड़ी आंत्र में, बड़ी आंत्र से भोजन जो जाता है वो गुदा से होता हुआ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आमाशय, फिर आता है छोटी आंत्र, क्या आता है, छोटी आंत्र, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। हालांकि इसके भी तीन भाग होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे। फिर आता है बड़ी आंत्र, फिर आता है बड़ी आंत्र, बिग इंटेस्टाइन, नाम से बड़ा है, वास्तव में ये बड़ी नहीं है, सिर्फ इसका व्यास बड़ा होता है, लेकिन लंबाई में ये छोटी आंत्र से क्या होती है, कम लंबी होती है, तो बिग इंटेस्टाइन। और सबसे बाद में जो है वो गुदा से होता हुआ जो अपचित भोजन है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो आहार नाल के सारे भाग देखे हमने कौन कौन से हैं, सबसे पहले मुख हो जाएगा, माउथ हो जाएगा, यहाँ से आगे भोजन आएगा बकल कैविटी, मुख गुहा के अंदर, फिर यहाँ से भोजन आएगा ग्रसनी के अंदर जो हम गले के अंदर होती है लगभग, ग्रसनी से भोजन आएगा ग्रसिका के अंदर या ग्रास नाल के अंदर, यहाँ से भोजन आएगा हमारे पेट या आमाशय के अंदर, स्टमक के अंदर, फिर यहाँ से भोजन आएगा छोटी आंत्र, छोटी आंत्र से बड़ी आंत्र, बड़ी आंत्र में जो जल होगा उसका सारा का सारा एब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा और जो अपचित भोजन है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखे इनके नाम, यहाँ पर हमने क्या देखे, इनके नाम। अब हम जब आगे पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर जो है किस किस पदार्थ का पाचन हो रहा है और किस जगह पर जो है भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा हम लार ग्रंथियों में, पाचक ग्रंथियों में बात करेंगे, लार ग्रंथियां, पाचक ग्रंथियों में हम बात करेंगे, लार ग्रंथियां, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारी मुख गुहा में होती है, और ये तीन जोड़ी होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं, तीन जोड़ी होती हैं,
इसके अलावा हम बात करेंगे अग्न्याशय के बारे में। अग्न्याशय जो है ये भी भोजन को पचित करता है, अग्न्याशय रस का स्रवण करते हैं करके, तो अग्न्याशय ग्रंथि हो जाएगी, अग्न्याशय ग्रंथि हो जाएगी। फिर यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा पेनक्रियास, ये हो जाएगा पेनक्रियास। और तीसरी ग्रंथि की जो हम पाचन ग्रंथियों के अंदर बात करेंगे उसका नाम है लीवर, उसका नाम है यकृत। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लीवर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, हमारा लीवर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, हमारा लीवर हो जाएगा। तो ये हमने मोटे रूप से पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग सम्मिलित होते हैं, यानी कि हम जो तंत्र कह रहे हैं ना सिस्टम, तो सिस्टम में होता है क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स हैं जो एक क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, पाचन तंत्र बना रहे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि पाचन किस तरीके से होता है, हम जो भोजन खाते हैं ना उसको हम कैसे पचाते हैं, उसको हम कैसे पचाते हैं उसकी हम बात करेंगे अब, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाचन। तो देखो मैं इसको हटा रही हूँ, एक बार इसको मैं एक बार हटा रही हूँ यहाँ से, तो आई होप कि आपने लिख लिया होगा। तो इसको हम हटा रहे हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं पाचन से। और पाचन में हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं आहार नाल में पाचन, हम क्या पढ़ रहे हैं, आहार नाल में पाचन, आहार नाल में पाचन। अब हम जो जिस क्रम में हमने भाग लिखे ना, वो हमारी आहार नाल में भी उसी क्रम में होते हैं, तो हम उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से पाचन होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा भाग था, सबसे पहले हमारे भाग का नाम है मुख, सबसे पहले भाग का नाम क्या है, मुख, माउथ। और माउथ में क्या होते हैं, जो ऊपरी होंठ और निचला होंठ है ये मिलकर क्या बनाते हैं, माउथ का निर्माण करते हैं। ये किसका निर्माण करते हैं, माउथ का निर्माण करते हैं। तो ऊपरी होंठ, अपर लिप्स एंड लोअर लिप्स, ऊपरी होंठ, ऊपरी होंठ एवं निचले होंठ से मिलकर बना हुआ होता है, एवं निचले होंठ से मिलकर बना हुआ होता है। और यहां से भोजन का हम क्या करते हैं, अंतर ग्रहण करते हैं, यहां पर पाचन नहीं होता है, यहां से सिर्फ हम भोजन को अंदर की तरफ लेते हैं। तो भोजन का क्या होता है, अंतर ग्रहण होता है। तो भोजन का क्या हो जाएगा, अंतर ग्रहण हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो होंठ होते हैं ना, इसमें विशेष प्रकार की मसल्स होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस मसल। क्या नाम होता है, इनमें जो मसल होती है या इसमें जो पेशी होती है उसको हम बोलते हैं, उसमें जो पेशी होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिक्युलरिस, ऑर्बिक्युलरिस। तो आपने लड़की लड़कियों को देखा होगा ज्यादातर पूरे दिन होंठ को जो है अंदर बार करती रहती है, अगर लिपस्टिक एक बार लगा ले तो फिर बार बार जो है वो इसी तरीके से जो है मूवमेंट होता रहता है। तो ये जो होठों में मूवमेंट होता है ना, ये किस वजह से होता है, ये होता है ऑर्बिक्युलरिस मसल्स की वजह से। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूवमेंट जो है किस वजह से पॉसिबल होता है। अब हमारा जो भोजन है वो मुख से होता हुआ कहाँ आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारी बक्कल कैविटी में, कहाँ आ जाएगा, मुख गुहा में आ जाएगा। मुख गुहा में आ जाएगा, बक्कल कैविटी में आ जाएगा। अब हमारी बक्कल कैविटी में जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो पहला हमारे पाए जाते हैं टीथ, क्या पाए जाते हैं, टीथ, दांत पाए जाते हैं। तो पहला हमारा हो जाएगा दांत, टीथ हो गया। फिर पाई जाती है जीभ, जीभ जो है ये भी भोज्य पदार्थों को पाचन करने में मुख गुहा में हेल्प करती है, ठीक है। तो हमारी हो जाएगी जीभ, और जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद गलिकाएं पाई जाती हैं जो कि स्वाद का ज्ञान करवाती हैं। आप बोलते हैं ना यार बहुत खट्टा है ना, पानी बहुत खट्टा है, या फिर बोलते हो ना कि यार इसमें मीठा बहुत ज्यादा है, तो ये स्वाद का ज्ञान जो है ये किस वजह से होता है, हम अपनी जो टंग होती है उसमें क्या पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है जो कि हमें तीखे का, मीठे का, कड़वे आदि का जो है नॉलेज करवाती है। तो ये हमारी हो जाएगी टंग, टंग। और इसके अलावा जो है वो पाई जाती हैं लार ग्रंथियां, क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां। तो हालांकि लार ग्रंथियों के बारे में हम जो है वो डिटेल से देखेंगे, और वो हम किसमें देखेंगे, हम पाचन ग्रंथियों में देखेंगे, वो हम किसमें देखेंगे, पाचन ग्रंथियों में देखेंगे।
अब यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो हमने सबसे पहले देखा कि मुख में क्या पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं। तो ये जो टीथ है ये एक तरीके से मशीन का काम करते हैं, ये यंत्र का काम करते हैं। तो हम क्या बोलते हैं कि भोजन का यांत्रिक पाचन जो है ये किसके द्वारा किया जाता है, ये दांतों के द्वारा किया जाता है। और आपको पता है कि वयस्क में टीथ की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, ऊपर 16 नीचे की तरफ 16। और यदि हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल टीथ जो है वो वयस्क के अंदर जो 32 की यदि हम बात करते हैं तो उसमें पाए जाते हैं 4 प्रकार के दांत, जिसमें हम देखते हैं कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। तो कुछ जो भोजन है, कुछ जो दांत है वो भोजन को काटने का काम करते हैं, कुछ चीरने फाड़ने का काम करते हैं, कुछ उसको पचाने का काम करते हैं। इसके अलावा यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, दांत से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि दांत के जो हमारे ऊपर की तरफ जो व्हाइट पॉलिश होती है ना, व्हाइट जो नेचुरल व्हाइट पॉलिश होती है ना, वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है इनेमल की। इनेमल एक पदार्थ है जो कि जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है, जो कि जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। तो हम टीथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो टीथ जो है ये क्या करते हैं, भोजन का यांत्रिक पाचन करते हैं, भोजन का यांत्रिक पाचन, भोजन का यांत्रिक पाचन होता है, भोजन का यांत्रिक पाचन यहीं पर होता है। इसके अलावा ये वयस्क में यदि हम बात करते हैं तो वयस्क में इनकी संख्या कितनी होती है, वयस्क में इनकी संख्या होती है 32। कितनी होती है, 32 जो है ये संख्या में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके 4 प्रकार होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। तो देखो दांतों के जो 4 प्रकार हैं उसमें यदि मैं बात करूं तो पहले होते हैं कृतनक, कौन से होते हैं, कृतनक, इंसिजर, इंसिजर, रदनक, रदनक, केनाइन बोलते हैं इनको, केनाइन बोलते हैं। तीसरे होते हैं अग्रचर्वणक, कौन से होते हैं, अग्रचर्वणक, या हम बोल सकते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर। और यदि हम चौथे प्रकार इसमें बात करें तो उसका नाम होता है चर्वणक, क्या होता है, चर्वणक। या इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं मोलर, इनको हम क्या बोल सकते हैं, मोलर। तो देखो आपको नाम याद रखने हैं, पहले प्रकार का होता है कृतनक, यहाँ पर मैंने प्रकार लिखे हैं ना कि इनकी संख्या लिखी है, कृतनक, रदनक, अग्रचर्वणक और क्या होता है, चर्वणक। तो देखो इसको हम कैसे दर्शा सकते हैं, तो देखो इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, इसका दंत सूत्र आपसे पूछा जाएगा कि दंत सूत्र होता है, दंत सूत्र होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है, डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। तो पहला क्या है, इंसिजर, तो हम आई लिख देंगे, इंसिजर का हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे ना यहाँ पर आई। केनाइन का हम क्या लिख देंगे, सी। प्रीमोलर का हम क्या लिख देंगे, पीएम। और मोलर का हम क्या लिख देंगे, एम। इस तरीके से ऊपरी जबड़े में भी ये टीथ होंगे और निचले जबड़े में भी इस प्रकार के दांत पाए जाएंगे। तो ये हो गया इंसिजर, फिर हो गया केनाइन, फिर हो गया प्रीमोलर और फिर हो जाएगा मोलर। इसी तरीके से निचले जबड़े में भी होंगे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अब इनकी संख्या की यदि हम बात करते हैं तो हम यदि बीच में से इसको वर्गीकृत कर ले तो इस आधे जबड़े के अंदर जो धातु की व्यवस्था होती है वो होती है 21-23। और इसी तरीके से निचले आधे जबड़े में भी क्या होती है, 21-23, क्या होती है, 21-23। यानी कि यदि हम हाफ पढ़ ले और एक तरफ के दांतों की यदि हम एक जबड़े में बात करें तो इंसिजर दांतों की संख्या 2 हो जाएगी, केनाइन 1 हो जाएगा, प्रीमोलर 2 हो जाएंगे और मोलर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो हमारा दंत सूत्र क्या बनता है, हमारा दंत सूत्र बनता है 21-23-21-23। जब हम इसको काउंट करेंगे ना तो देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 ऊपर भी होंगे, 8 नीचे भी होंगे। और हमने आधे आधे की बात की तो हम डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16/16। तो टोटल जो दांत होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 32। कितने होंगे, 32। तो समझ में आ गया आपको। अब इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो टीथ जो है इन पर पाया जाता है इनेमल, इन पर क्या पाया जाता है, इनेमल। और इनेमल जो है ये क्या है, इनेमल जो है ये जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। तो ये इसमें हम क्या लिख सकते हैं, जंतु जगत का, जंतु जगत का
कठोरतम पदार्थ जंतु जगत का, हार्डेस्ट मटेरियल कह सकते हैं हम लोग जंतु जगत का कठोर पदार्थ। तो ये हो गए हमारे दांत के बारे में जितनी भी जानकारी। अब यदि हम थोड़ा सा बात करें कि कृतनक धातु का काम क्या होता है, तो कृतनक जो है ये दांत, हम जैसे किसी भी चीज को काटने, जैसे हम ये सामान्यतः किसी भी चीज को जैसे बोर वगैरह खाते हैं तो इनको हम सामने वाले दांतों से काटते हैं, तो इंसिजर जो दांत है ये क्या करते हैं, वस्तुओं को काटने का कार्य करते हैं। और यदि हमें गन्ना वगैरह खाना होता है तो हम साइड में लेके उसको क्या कर देते हैं, फाड़ते हैं। तो चीरने और फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक करते हैं। फिर हम भोजन जो चबाते हैं वो आगे रख के थोड़ी ना चबाते हैं कि हम साइड में रख के चबाते हैं, तो ये जो अग्र चर्वणक और चर्वणक जो है ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं इंसिजर, इंसिजर इनका काम तो क्या होता है, काटने का कार्य, भोजन को काटने का कार्य, काटने का कार्य। केनाइन की यदि हम बात करते हैं, केनाइन की यदि हम बात करते हैं तो ये चीरने फाड़ने का काम करते हैं, चीर फाड़ का कार्य करते हैं, चीर फाड़ का कार्य करते हैं। और यदि मैं अग्र चर्वणक प्री मोलर और चर्वणक मोलर की बात करूं तो ये क्या करते हैं, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। तो हमारे जो मुख गुहा के अंदर भोजन को चबाने का काम करते हैं वो कौन करता है, प्री मोलर और मोलर करते हैं, प्री मोलर और मोलर करते हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, भोजन को चबाने का कार्य, भोजन को चबाने का कार्य। भोजन को चबाने का कार्य। तो यहां तक समझ में आ गया क्या आपको, यहां तक समझ में आ गया क्या? अब देखो जीवा जो होती है यहां से जनरली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये किसका काम करती है, तो ये स्वाद करवाने का ज्ञान जो है वो हमें कौन करवाती है, स्वाद का जो कार्य है वो हमें कौन करवाती है, जीभ करवाती है, कौन करवाती है, जीभ करवाती है। फिर हमने पाचन ग्रंथियों में लिखा था कि उसमें लाल ग्रंथियां भी पाई जाती है, तो क्योंकि हम तो मुख गुहा देख रहे तो लाल ग्रंथियां कहाँ पर पाई जाती है, ये मुख गुहा में पाई जाती है, इसीलिए हमने इनको यहाँ पर लिखा। लेकिन हम एक्सप्लेन जो है वो कहाँ पर करेंगे, हम उनको पाचन ग्रंथियों में करेंगे। तो भोजन जो है वो मुख से कहाँ हो गया, मुख गुहा में आ गया। अब भोजन जिस रूप में है ना, मुख गुहा में भोजन जिस रूप में है उस भोजन को हम बोलते हैं बोलस। भोजन जो है वो छोटे छोटे गोले के अंदर विभाजित हो गया है, लार ने उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है, तो भोजन किस रूप में आ गया, बोलस के रूप में आ गया। अब बोलस जो है ये कहाँ पर आएगा, ग्रसनी में आएगा, कहाँ पर आएगा, ग्रसनी में आएगा। तो एक बार ये सारी चीजें जो है वो आप नोट कर ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट। तो ये मैं हटा रही हूँ एक बार इसको, फिर हम देखते हैं कि आगे किस प्रकार से पाचन होता है। हमने देखा पाचन जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो पाचन स्टार्ट मुख गुहा से तो नहीं होता, हालांकि मुख जो है माउथ से भोजन हम अंदर लेते हैं, माउथ से भोजन हम अंदर लेते हैं और भोजन का आता है मुख गुहा में आता है, भोजन का आता है मुख गुहा में आता है, बक्कल कैविटी में आता है। बक्कल कैविटी में हमारे टीथ और लार ग्रंथियां और जो है किस प्रकार से भोजन का पाचन करती है ये हमने देखा। अब हम देखते हैं कि भोजन का जो रूप है इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर भोजन का जो रूप है इसको हम बोलते हैं बोलस। इस अवस्था में जो भोजन है, भोजन का जो रूप है इसको हम क्या बोलते हैं, भोजन के रूप को हम बोलते हैं बोलस। बोलस, बोलस अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो ना तो मैं बता देती हूँ आपको। जब आप कभी खाना खा रहे होते हैं और मान लो कि आपके खाने में जो है वो बाल आ गया अंदर, तो आप भोजन को बाहर निकालते हो ना, आप मुख मुंह से या बकल कैविटी से भोजन को बाहर निकालते हो ना, वही किसका रूप है, वही जो है वो बोलस का रूप है। ठीक है, तो अब भोजन जो है वो बोलस है और बोलस जो है ये मुख गुहा से कहाँ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रसनी के अंदर, कहाँ जाएगा, ग्रसनी के अंदर, फेरिंग्स में आ जाएगा, फेरिंग्स में आ जाएगा। अब देखो ग्रसनी जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वायु तथा भोजन के लिए जो कॉमन पाथ है वो कौन सा ऑर्गन है।
क्योंकि हम जो खाना खाएंगे वो भी ग्रसनी से होकर जाएगा, और जब हम श्वसन के लिए ऑक्सीजन को अंदर लेंगे तो वो भी कहाँ से होकर जाएगी, वो भी ग्रसनी से होकर जाएगी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि वायु और भोजन का उपयनिष्ठ मार्ग है। तो ग्रसनी में क्या हो जाएगा, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, भोजन का पाचन नहीं होता है, परंतु ये क्या होता है, वायु एयर तथा फूड के लिए क्या होता है, कॉमन पाथ होता है। तो वायु वे भोजन का उभयनिष्ठ मार्ग है। क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है, उभयनिष्ठ मार्ग है, कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ है, कॉमन पाथ है। ठीक है, वायु वे भोजन का क्या है, उभयनिष्ठ मार्ग है। अब भोजन जो है वो ग्रसनी से कहाँ आ जाएगा, हमने देखा था आहार नाल का नेक्स्ट भाग कौन सा है, ग्रसिका। तो भोजन जो है वो ग्रसनी से कहाँ आ जाएगा, भोजन जो है वो ग्रसनी से कहाँ आ जाएगा, ग्रसिका में आ जाएगा, ग्रास नाल में आ जाएगा या इसोफेगस में आ जाएगा। हम कुछ भी कह सकते हैं, हमारी इच्छा है ग्रसिका, ग्रास नाल, इसोफेगस। अब देखो ग्रसिका में भी किसी भी तरीके का पाचन नहीं होता है, ग्रसिका में भी किसी तरीके का पाचन नहीं होता है। ये सिर्फ भोजन को ग्रसिका से कहां तक पहुंचाने का काम करती है, हमारे पेट तक पहुंचाने का काम करती है, हमारे आमाशय तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, अब देखो जब हम ग्रसनी, जो हमारा गला है ना, या गले से फिर हम आगे जाएंगे ना, तो यहाँ पर हमें दो पाइप मिलेंगे। यहाँ पर हमें कितने पाइप मिलेंगे, यहाँ पर हमें दो पाइप मिलेंगे। तो एक तो हमारी क्या होगी, ग्रसनी होगी, एक तो हमारी ग्रसनी होगी, और जो आगे की तरफ होगी ना वो हमारी श्वास नली होगी। हमारी कौन सी नली होगी, ट्रेकिया होगी। तो यहाँ पर हमारी जो आगे वाली नली है ये हो जाएगी श्वास नली, ये हो जाएगी श्वास नली, ट्रेकिया, इसको हम बोलते हैं ट्रेकिया। तो देखो भोजन के आगे जाने की संभावना जो है वो दो तरीके से हो सकती है, ग्रसनी से आगे भोजन जो है ये ग्रसिका में भी जा सकता है और ये ट्रेकिया में भी जा सकता है। जा सकता है कि नहीं जा सकता, जा सकता है ना, दो ऑप्शन है तो कोई भी ऑप्शन जो है वो ले सकता है। लेकिन क्या होता है, भोजन हमेशा ही ग्रसिका में जाता है, ऐसा थोड़ी कि हमारा भोजन फेफड़ों तक पहुंच गया और फेफड़ों से डायरेक्ट हमारी बॉडी में सप्लाई होने लग गई, ऐसा कभी होता है क्या, ऐसा नहीं होता है ना। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो श्वास नली है ना, इस श्वास नली के ऊपर क्या पाया जाता है, इस श्वास नली के ऊपर एक जो इसको ढकने वाला जो है, इस तरीके का ढक्कन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस। इसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस, इसको हम बोलते हैं एपिग्लोटिस, या इसको हम बोलते हैं गाटी ढक्कन। इसको हम क्या बोलते हैं, गाटी ढक्कन। जब भोजन आता है तो ये गाटी ढक्कन जो है ये क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता है और इसको ढक लेता है। तो भोजन सिर्फ और सिर्फ किसमें जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसमें जाता है, ग्रसिका में जाता है। तो समझ में आ गया क्या आपको, यहाँ तक समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करती है, पाचन नहीं होता है, यहाँ पर पाचन नहीं होता है, और ये क्या करती है, भोजन को मार्ग प्रदान करती है। भोजन को ग्रसनी से आगे जो हमारा भाग आएगा ना ग्रसिका के बाद में, वो आएगा हमारा आमाशय। कौन सा आएगा, आमाशय। तो हमारा आमाशय जो स्टमक है ना, यहाँ तक लाने का काम करती है, यहाँ तक लाने का काम जो है वो कौन करती है, ग्रसिका करती है। तो भोजन को मार्ग प्रदान करती है, भोजन को मार्ग प्रदान करती है, पाथ प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा जो भोजन है वो कहाँ पर आ गया, वो हमारा भोजन जो है वो ग्रसिका के माध्यम से, ग्रसनी से होता हुआ कहाँ पर आ गया, ये आमाशय में आ गया। अब हमारा जो आमाशय है इसमें पाई जाती है जठर ग्रंथियाँ। हमारे आमाशय में क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियाँ। और जठर ग्रंथियाँ जो है वो किसका निर्माण करती है, वो निर्माण करती है जठर रस का। किसका निर्माण करती है, जठर रस का। और जठर रस में क्या पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं ये कौन से अम्ल का स्रावण करती है, कौन से एसिड का सिक्रेशन करती है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस एक ही अम्ल का नाम याद रखना है, उसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, जिसकी पीएच बहुत कम होती है, लगभग होती है 1.2 से लगाकर 1.5 के बीच में।
तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट वाइज पॉइंट इसको नोट कर लेते हैं। अमाशय में क्या पाई जाती है, अमाशय में पाई जाती है जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये किसका निर्माण करती है, ये निर्माण करती है गैस्ट्रिक जूस का। किसका निर्माण करती है, गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करती है। और इस जूस में क्या प्रेजेंट होता है, इसमें होता है HCl। इसमें क्या होता है, HCl। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। जो कि क्या है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। थोड़ा सा और यदि हम बात करते हैं तो आमाशय जो है ये जे आकार का होता है। आमाशय किस प्रकार का होता है, ये होता है जे आकार का होता है। और यहाँ पर मुख्यतः किसका पाचन होता है, तो मुख्यतः यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है। तो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, तो यहां तक आप नोट कर लो। फिर हम देखते हैं कि आमाशय में जो है वो पाए जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन से प्रकार की है, आमाशय में पाए जाने वाली कोशिकाएं कौन कौन से प्रकार की है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। अब हम देखने वाले हैं कि आमाशय में जो है वो कौन कौन से प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और उनके द्वारा किन किन चीजों का सिक्रेशन किया जाता है और जो किस प्रकार से हमारे आमाशय में क्या करती है प्रोटीन का पाचन करती है। तो हम पढ़ रहे हैं आमाशय स्टक में जो पहले तो मैंने आपको बताया कि जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती है जिसमें कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। इसके अलावा आमाशय जो है ये जे आकार का होता है। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो है मुख्यतः किसका पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है। देखो हमारा आमाशय जो है ना इस तरीके का होता है, लगभग कैसा होता है, जे आकृति का होता है इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, आमाशय है, जे आकृति का है, ठीक है। तो ये जे शेप का है और इसके तीन भाग होते हैं। इसके क्या होते हैं, तीन भाग होते हैं। ऊपर वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं फंडस रीजन बोलते हैं इसको अपन। इसको हम बोलते हैं बॉडी, मुख्य भाग है ये फंडस बॉडी। और इसको हम बोलते हैं पाइलोरस, ये कौन सा रीजन है, पाइलोरस। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको पता है कि ये हमारी क्या है, ग्रसिका है, ये हमारी ईसोफेगस है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, एक नियंत्रण केंद्र होता है जो भोजन को आमाशय से पुनः ईसोफेगस में जाने से रोकता है और उसका नाम है कार्डियक स्पिंक्टर। उसका नाम क्या है, कार्डियक स्पिंक्टर। तो इसका नाम हो जाएगा कार्डियक स्पिंक्टर। इसी तरीके से यहां से इस आमाशय से जुड़ी हुई है छोटी आंत्र, क्या जुड़ी हुई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इससे जुड़ी हुई होती है। तो जब भोजन जो है वो कहां से आमाशय से किसमें आ जाए, छोटी आंत्र में आ जाए, तो भोजन वापस यहां से यहां तक भी तो जा सकता है, इसीलिए यहां पर भी क्या पाया जाता है, एक नियंत्रण केंद्र पाया जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में वापस भोजन आमाशय में इसलिए नहीं जाता है क्योंकि यहाँ पर भी एक नियंत्रण केंद्र पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोरिक स्पिंक्टर, जिसका नाम क्या है, पाइलोरिक स्पिंक्टर। देखो इसको इसी नाम पर है थोड़ा सा, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया, यहाँ पर इसका नाम, ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं कार्डियक, ऊपर वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक। और बीच वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं फंडस रीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, फंडस। तो कार्डियक से क्या हो जाएगा, कार्डियक स्पिंक्टर हो जाएगा, और ये पाइलोरस से क्या हो जाएगा, पाइलोरिक स्पिंक्टर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारे आहार नाल की स्ट्रक्चर होती है, तो इसमें जो कोशिकाएं होती है मुख्यतः तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। उसमें से यदि मैं बात करूं तो पहली होती है मुख्य कोशिकाएं
या इनको हम बोल सकते हैं जाइमोजन सेल्स, या इनको हम क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोलते हैं जाइमोजन सेल्स, जाइमोजन कोशिकाएं। तो चीप सेल्स या इनको हम क्या बोलते हैं, या इनको हम बोलते हैं जाइमोजन सेल्स, या इनको हम क्या बोलते हैं, जाइमोजन सेल्स बोलते हैं। समझ में आ गया क्या यहां तक? ये कोशिकाएं किसका निर्माण करती हैं? ये निर्माण करती है जठर रस का। किसका निर्माण करती है? जठर रस का। तो आपसे क्वेश्चन जो है वो जठर रस से पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन जो है वो जठर रस से पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा कि जठर रस में कौन कौन से एंजाइम होते हैं। तो जठर रस के एंजाइम के नाम हम लिख रहे हैं यहाँ पर। तो एंजाइम के नाम होते हैं पेप्सिन, पेप्सिन। इसके अलावा इसमें एंजाइम का नाम होता है रेनिन। क्या नाम होता है? रेनिन। तो मुख्यतः तो ये एंजाइम पाए जाते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, और रेनिन जो एंजाइम है ना, ये सिर्फ बच्चों में ही रिलीज होता है। आमाशय की जो ये चीप कोशिकाएं हैं उसमें से रेनिन केवल जो है वो बाल्यावस्था में निकलता है, जो मुख्यतः क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। क्योंकि बच्चे सामान्यतः क्या लेते हैं, दूध लेते हैं, और दूध जो है उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो स्पेशली उसमें जो है एंजाइम पाया जाता है उसका नाम क्या है, रेनिन है। तो ये हो गया रेनिन। इसके अलावा होता है जठर लाइपेज। इसके अलावा क्या नाम होता है? जठर लाइपेज। जठर लाइपेज। और इसके अलावा लाइपेज जो है ये थोड़ी बहुत मात्रा में फैट का भी क्या करता है, वसा का भी क्या करता है, पाचन करता है। और एक और इसमें होता है, ये हो गया गैस्ट्रिक लाइपेज, और एक होता है जठर एमाइलेज। क्या होता है? जठर एमाइलेज। तो गैस्ट्रिक एमाइलेज जो है ये थोड़ी बहुत मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो ये आपको समझ में आ गया क्या? तो यहां से निकलते हैं ये सारे के सारे, क्या निकलते हैं ये सारे के सारे, इसमें से निकलते हैं एंजाइम्स, एंजाइम्स। अब जठर रस से क्या निकलता है? जठर रस से एक एसिड निकलता है जिसको हमने क्या बोला, HCl बोला, हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला। और इन सबको सक्रिय करने का काम जो है, ये सारे के सारे इनएक्टिव होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। तो निष्क्रिय अवस्था में क्या ये प्रोटीन का या किसी भी तरह का थोड़ी बहुत मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करेगा? क्या नहीं करेगा। तो ये HCl जो है इनको क्या करता है, एक्टिव करता है। तो ये सक्रिय करने का काम करता है, सक्रिय करने का काम, सक्रिय करने का कार्य। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ से जो है HCl नहीं निकलता है, यहाँ से सिर्फ क्या निकलता है, एंजाइम निकलते हैं। जो HCl निकलता है ना, वो दूसरी प्रकार की कोशिकाओं से निकलता है, जिसका नाम है, उन कोशिकाओं का नाम है ऑक्सिंटिक सेल, ऑक्सिंटिक, या उनको हम बोलते हैं पेराइटल कोशिकाएं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिंटिक या पेराइटल कोशिकाएं, पेराइटल कोशिकाएं। और ये किसका निर्माण करती है? निर्माण करती है HCl का। और ये HCl जो है वो इनको क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है। आई एम वेरी वेरी सॉरी, मेरे दिमाग से जो है वो बार बार HCl जो है वो इन कोशिकाओं से निकल रहा है, इनसे नहीं निकलता है। HCl जो है वो किससे निकलता है? ऑक्सिंटिक या पेराइटल कोशिकाओं से निकलता है, जो कि चीप कोशिकाओं से निकलने वाले सभी एंजाइमों को क्या करता है, सक्रिय करने का काम करता है। तो दोनों प्रकार की कोशिकाएं समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं तीसरी कौन सी है। तो तीसरे प्रकार की कोशिकाओं को हम बोलते हैं म्यूकस कोशिकाएं। तीसरे प्रकार की कोशिकाएं कौन सी है? म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं, म्यूकस कोशिकाएं। नाम से पता चल रहा है म्यूकस कोशिकाएं। और ये किसका निर्माण करती है? ये निर्माण करती है म्यूकस का। ये किसका निर्माण करती है? म्यूकस का निर्माण करती है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि म्यूकस का काम क्या होता है। तो आपको पता है कि कभी कभी हमारे जो आमाशय है इसमें क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, HCl की मात्रा जो है ये ज्यादा स्रावित होने लग जाती है। तो ये हमारी दीवार को, आमाशय की दीवार को क्या कर सकती है, नष्ट कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो इसीलिए ये म्यूकस जो है ये हमारे आमाशय के दीवार के चारों तरफ क्या बना देता है, म्यूकस का आवरण बना देता है, जिससे कि HCl जो है वो हमारे आमाशय की दीवार को नष्ट नहीं कर सके। तो ये क्या करती है, HCl से आमाशय की दीवार को, HCl से आमाशय की दीवार को सुरक्षा प्रदान करवाती है। क्या करवाती है? सुरक्षा प्रदान करवाती है।
तो ये हमने देखा कि जो आमाशय है उसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, उनमें कौन से हार्मोन निकलते हैं, कौन सा एसिड निकलता है और म्यूकस का क्या काम होता है, ये हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आमाशय में जो भोजन का रूप है ना, देखो हमने क्या बोला कि जो हमारी मुख गुहा में भोजन का पाचन हुआ था ना, स्टार्च का पाचन होता है जो हम लार ग्रंथि में देखेंगे, उसको हम बोले थे बोलस। उसको हम क्या बोले थे? बोलस। और जो आमाशय में भोजन का पाचन होने के बाद भोजन जिस रूप में होगा ना, उसको हम बोलते हैं काइम। तो अब जो भोजन का रूप है ना, इसको हम बोलते हैं काइम। इस भोजन को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइम। और ये जो काइम है ये आमाशय से कहाँ आ जाएगा? ये आमाशय से कहाँ आ जाएगा? ये आ जाएगा छोटी अंत्र में, स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, छोटी अंत्र में। तो अब भोजन जो है वो थोड़ी बहुत मात्रा में तो आमाशय में इसका पाचन हो गया, मुख्यतः प्रोटीन का पाचन भी हो गया। अब बचा हुआ जो भोजन है इसका पाचन कहाँ पर होगा? इसका पाचन होगा छोटी अंत्र में। इसका पाचन कहाँ पर? छोटी अंत्र में। तो हमारी आज की क्लास तो हम यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि आज जो है वो हमारे लिए काफी चीजें हो गई, तो उनको भी हमें याद रखना है। तो हम कल से ये देखेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास से कि छोटी आंत्र में जो है वो भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है, छोटी आंत्र में भोजन का पाचन जो है वो किस प्रकार से होता है। तो क्लास आपको कैसी लगी आप मुझे जरूर बताएं। तो हम जो है इसी तरीके से कंटिन्यू जो है हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे, जो कि आपके होने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। जैसे कि मैं नाम भी मेंशन कर रही हूँ, यहाँ पर राजस्थान में होने वाला जो पुलिस कांस्टेबल है, राजस्थान कांस्टेबल जो है उसमें भी यहाँ ये वाला सिलेबस है। फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला, उसमें भी ये वाला सिलेबस है। इसके अलावा यदि हम रीट की बात करेंगे तो रीट में भी क्वेश्चन जो है वो यहीं से देखने को मिलेंगे। तो ये एग्जाम की तैयारी जो भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि ये आपके लिए बहुत अच्छे जो है साबित हो रहे होंगे, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। This could be good for me.